मारुति सुजुकी स्विफ्ट VDI, इसका है ऑयल लीकेज। अभी हम दिखाने आपको कहाँ पर ऑयल लीकेज कर रहा है। देखिए सारा ऑयल आ रहा है ऊपर से, और ये देखिए इसका ऑयल सेपरेटर पाइप जो होता है पीछे वो लीक कर रहा है। अभी इसको हम निकालेंगे, जो इसकी जो क्लैंप होती है इनको हम हल्के से निकाल देंगे, और इसको जो क्लैंप होती है उसको फैला के निकाल देंगे। इसको पाइप को निकालने जा रहे हैं, फिर अभी पाइप को निकालेंगे, फिर अभी आपको दिखाएंगे पाइप को निकाल के। तो ये आपको दिखा रहे हैं पाइप है। पाइप यहाँ से ख़राब हो गया था, फट गया था, तब इसकी हमने हल्का सा फटा था, लीक करा था, तभी इसको फार के निकाल लिया, वो खोला नहीं है। और देखिए कि इसका नया पाइप है, और दो क्लंप हैं इसकी, जो आठ नंबर यहाँ पर से कस जाएंगी, पेच कर से भी कस जाएंगी, आठ नंबर से भी कस जाएंगी, इनको हम कसे दे रहे हैं। फिर पाइप लगाएंगे, फिर क्लंप डालेंगे दोनों एक साथ में, फिर लगाएंगे लगा देंगे इसको। फिर अभी आपको दिखा रहे हैं ऊपर का, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मैंने खोला नहीं है, ऐसे ही पाइप निकाल लिया है, हम पाइप लगा देंगे इसको, फिर अभी आपको दिखाएंगे। देखिए मैंने इसके पाइप लगा दिया है, वैसे ही खोला नहीं था उसको, मैंने ऐसे लगा दिया है। अब इसके हम दोनों क्लंप टाइट कर देंगे अच्छे से। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।